Hi, so we are starting with the first story in your book. This is Jody's fawn. Fawn basically yahan par jo hai hiran ke bacche ke liye use kiya gaya hai aur hiran ke liye jo hai doe word ka use kiya hai. This is by Marjorie Kinnan Rawlings. Now बैकग्राउंड ये है कि ये जोडी के बारे में है. मतलब हमारा प्रोटैगनिस्ट जो है वो जोडी है. जोडी जो है एक छोटा बच्चा कह सकते हो, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, मेरे ख्याल से आप लोगों की उम्र का होगा या आपसे छोटा ही होगा एक्चुअली वो अभी. तो जोडी, उसके फादर और एक हिरन और उसके बच्चे की कहानी है ये. जोडी के फादर जो हैं उनको जो है एक रैटल स्नेक काट लेता है. तो रैटल स्नेक्स आर वेरी कॉमन इन यू नो लाइक अमेरिकन कंटिनेंट पर्टिकुलरली. ओके, और ये काफ़ी पॉइजनस स्नेक होता है. तो जैसा कुछ लोगों का विश्वास है कि इसका जो एक बहुत तेज़ी वजह जो इसका आसान इलाज है वो ये है कि एक हिरन के जो है हार्ट और लीवर का यूज करके जो है इसके पॉइजन को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, इसके पॉइजन को निकाला जा सकता है. तो इस स्टोरी में जोडी जो है वो डिस्टर्ब, ये सोच के डिस्टर्ब है कि मतलब उस हिरन के बच्चे का क्या हुआ होगा, उस छोटे से फॉन का क्या हुआ जो कि अब अपने माँ के बगैर है वहाँ पर. तो इसी कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हो कि हमारा प्रोटैगनिस्ट जो है, मेन कैरेक्टर जो हमारा है जोडी, वो इसी कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहा होता है जहाँ से ये कहानी जो है वो शुरू होती है. जोडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फॉन. ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड. जोडी जो है वो अपने मन को, अपने विचार को जो है, अपनी सोच को जो है भटकते हुए दोबारा उस फॉन तक जाने देता है, उस हिरन के बच्चे की तरफ जाने देता है. वो जो है उसको अपने दिमाग से बाहर नहीं रख सकता था. ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स इन हिज आर्म्स. मतलब उसने जो है सपने में उस हिरन के बच्चे को अपनी बाहों में उठा के रखा था. ओके, ही स्लिप फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड. वो जो है अपने टेबल से जो है आराम से स्लिप करके जो है उतरता है और फिर अपने पापा के बेड के बगल में चला जाता है. पेनी ले एट रेस्ट. पेनी जो कि उसके फादर का नाम है, जोडी के फादर का, वो जो है आराम कर रहा है. हिज आइज़ वर ओपन एंड क्लियर. उसकी आंखें जो है वो खुली हैं, साफ है. बट द प्यूपिल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड. लेकिन प्यूपिल्स जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो अभी भी जो है काला पड़ा हुआ है और काफ़ी जो है फैला हुआ है. मतलब प्यूपिल्स अभी भी भारी हैं उसके. डायलेटेड का मतलब हो जाता है जैसे लोग डर की वजह से जैसे कोई चीज़ जो है आदमी की आंखें जैसे खुली रह जाती है ना, काफ़ी फैल जाती हैं. ठीक है, तो डायलेटेड का मतलब हो गया एनलार्ज्ड, बढ़ा हुआ. जोडी सेड, जोडी अपने फादर को बोलता है, हाउ आर यू फीलिंग पा. पापा आप कैसा फील कर रहे हैं. नाउ पा इज़ एन इंडियन टर्म. जैसे हम लोग अपने 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 पेरेंट्स के लिए जो है अलग अलग वर्ड यूज करते हैं. कोई मान लो कि अपने फादर के लिए जो है पापा वर्ड का यूज करते हैं, कोई जो है डैडी बोलते हैं, कोई जो है वो उनके लिए जो है बाबूजी के वर्ड का यूज करते हैं. तो ऐसे ही हाउ आर यू फीलिंग पा. पाप कैसा फील कर रहे हैं. जस्ट फाइन सन. बस बढ़िया बेटा. ओल्ड डेथ हैज गॉन थीविंग एल्सवेयर. बुढ़ऊ मौत जो है वो कहीं और चोरी करने के लिए गया हुआ है. थीविंग, तो यहाँ पर देखो थीविंग जो है वो एक्चुअली थीफ वर्ड से बना है. थीफ का मतलब चोर होता है और इसी नाउन को जो है अब जो है एक वर्ब में, सॉरी इसको अब जो है वर्ब में भी जो है उसको कन्वर्ट किया गया. दिस इज लाइक मोर लाइक यू नो लाइक ए पार्टिसिपल एक्चुअली. तो इसको जो है वर्ब के तौर पर यूज किया गया है. थीविंग मतलब हो गया चोरी करने के लिए. बट वाजंट इट ए क्लोज शेव. लेकिन क्या बाल बाल नहीं बचे थे. एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट है ये. लेकिन ये बिल्कुल भाई ये बिल्कुल क्लोज शेव था, एकदम से बाल बाल बच गए थे. आई अग्री. जोडी बोलता है हाँ सही बात है. पेनी सेड, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड वॉट वॉज नीडेड. फादर जो है जोडी की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि बेटा मुझे तुम पर गर्व है, जिस तरीके से तुमने जो है अपना दिमाग जो है वो स्थिर करके रखा. केप्ट योर हेड मतलब कि अपने दिमाग को स्थिर करके रखना, अपनी सोच को जो है सही रखना, और वो किया जो जिसकी ज़रूरत थी. पा, यस सन. पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फॉन. जोड़ी पूछता है कि पापा क्या आपको वो हिरन और वो उसका बच्चे जो है फॉन जो है वो याद है आपको. आई कैन नेवर फॉरगेट दैम. फादर बोलते हैं कि मैं उनको कभी नहीं भूल सकता हूँ. द पुअर डो सेव्ड मी, दैट सर्टेन. उस बेचारे हिरन ने जो है मेरी जान बचा ली, ये तो तय है. पा, द फॉन मे बी आउट देयर येट. बेटे जोड़ी जो बोलता है कि वो फॉन जो है हिरन का बच्चा जो है वो अभी भी वहीं पर होगा. इट माइट बी हंग्री. ये भूखा होगा वह एंड वेरी स्केयर्ड, बहुत डरा होगा वो. आई सपोज सो. फादर उसके बोलते हैं हाँ मुझे ऐसा लगता है, ऐसा हो सकता है. पा, आई एम ए बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क. व्हाई डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फॉन.
जोड़ी बोलता है कि मैं बड़ा बच्चा हो गया हूँ और मुझे अब दूध की ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्यों ना मैं जाऊँ और देखूँ कि कहीं मुझे वो फ़ोन मिल जाए एंड ब्रिंग इट हियर। उसके फादर पूछते हैं, और यहाँ पर लेके आओगे? जोड़ी बोलता है, एंड रेज इट, सिर्फ यहाँ लाना नहीं है, उसको पाल के बड़ा करना है। पेनी लेक क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग। उसके फादर जो है पेनी, वो बिल्कुल वो जो है बिल्कुल शांत शांत लेटे रहते हैं, छत की तरफ जो है एकदम से एकटक देखते रहते हैं। बॉय यू हैव गॉट मी हेम्ड इन, बोलते हैं बेटा तुमने तो मुझे बिल्कुल फंसा दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना बोलना भी मुश्किल है, क्योंकि भाई उस हिरण ने जो है इसकी जान बचाई थी, तो उसके बच्चे को कैसे ना हेल्प किया जाए। दूसरी तरफ हाँ कहने में इसलिए परेशानी है, क्योंकि जोड़ी बच्चा है, वो हिरण को खोजने, हिरण के बच्चे को खोजने के लिए खुद कहाँ जाएगा वो, ये भी रिस्की है, बिकॉज यू नो लाइक इट्स लाइक फॉरेस्ट एरिया, तो रैटल स्नेक वगैरह सब होंगे, तो फिर जो उसके फादर को काट लिया तो जोड़ी भी कितना सेफ होगा। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट, पा जोड़ी जो है फिर उसको समझाते फादर को और कन्विंस करते हुए कहता है कि पापा इसको बड़ा करने में, इसको पालने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एकॉर्न्स, बहुत जल्दी ही जो है ये लीव्स खाना, पत्ता वगैरह खाना शुरू कर देगा, ठीक है। इसके अलावा जो है एकॉर्न्स खाना शुरू कर देगा। एकॉर्न जो होता है वो एक मतलब नट होता है, ठीक है ना, जैसे कि हम लोग के बादाम हो गया आपका या आलमंड हो गया, उसी टाइप के नट फैमिली से ही ये आता है। ओके, ब्राउन कलर का छोटा छोटा जो है ये नट टाइप का होता है। यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज, पेनी जो है उसके फादर जो है बोलते हैं कि बेटा तुम अपनी उम्र के बच्चों से ज़्यादा स्मार्ट हो। जोड़ी बोलता है वी टुक इट्स मदर एंड इट वाजंट टू ब्लेम। जोड़ी बोलता है कि आई मीन हमने उसकी माँ, हमने उसके उसकी माँ छीन ली हमने, राइट, और उसकी कोई गलती नहीं थी। ब्लेम मतलब होता है दोष, तो भाई उसकी तो उसका तो कोई दोष नहीं था, उसकी कोई गलती नहीं थी। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। उसके फादर बोलते हैं कि नहीं सही बात है, ये काफ़ी जो है कृतज्ञता हो गई है उसको जो है इसे भूखे मरने के लिए छोड़ देना। अनग्रेटफुल, ग्रेटफुल मतलब होता है कृतज्ञ होना, किसी के एहसान के बदले में जो है थैंकफुल होना, दैट इज़ बीइंग ग्रेटफुल। और जब आप किसी के एहसान के किसी को उपकार को सीधा जो है भूल जाते हैं, उसको डिसमिस कर देते हैं, दैट इज़ यू नो बीइंग अनग्रेटफुल, कृतज्ञ। तो बोलता है कि ये जो है अनग्रेटफुल होगा, कृतज्ञता होगी उसको भूखे मरने के लिए छोड़ देना। सन आई कांट से नो टू यू, आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे। पेनी बोलता है कि बेटा मैं तुम्हें ना नहीं बोल सकता हूँ, मैंने सोचा नहीं था कि मैं दूसरे मैं अगले दिन जिंदा रह पाऊँगा। कैन आई राइड बैक विद मिल व्हील एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट। जोड़ी बोलता है कि तो क्या मैं मिल व्हील के साथ जो है चला जाऊँ और देखूँ कि मुझे मिलता है कि नहीं। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो, अपनी माँ को जाके बोलो कि मैंने बोला है कि तुम जा सकते हो। He sidled back to the table and sat down. वो जो है फिर आराम से चुपचाप जाके जो है टेबल पे जाता है और बैठ जाता है। His mother was pouring coffee for everyone. उसकी मदर जो है वो सबके लिए कॉफ़ी बांट रही थी, परोस रही थी। He said, "Ma, passage I can go bring back the phone." मम्मी बोलता है, माँ पापा बोलते हैं कि मैं जाके जो है उस फोन को वापस ला सकता हूँ। She held the coffee pot in midair. शॉक्ड है वो, ठीक है ना, कॉफ़ी पॉट को जैसे हवा में ही पकड़ के रखती रहती है। What phone? कौन सा फोन भाई? द फॉन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड, वही हिरण का बच्चा जो कि उस हिरण का था जिसे हमने मार दिया था। वी यूज द डोज लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा, बोलते कि हमने जो है उस हिरण के लीवर का यूज किया था पॉइजन को निकालने के लिए और पापा को बचाने के लिए। शी गास्प्ड, उसकी सांस रुक जाती है, लंबा सांस लेके सांस उसकी रुक जाती है। वेल फॉर पिटीज सेक, बोलते भाई भगवान के लिए यार बंद करो, दैट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन। लेकिन वो बीच में ही उसको रोक के जो है जोड़ी बोलता है, पासेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू ए स्टार। वो पापा की तरफ से भी इतना ऐड कर देता है, पापा बोलते हैं कि इसको ऐसे भूखे मरने के लिए छोड़ देना जो है कृतज्ञता होगी, ये अनग्रेटफुल होगा। डॉक विल्सन सेड, डॉक्टर विल्सन जो कि पेनी का ट्रीटमेंट करने के लिए आए होंगे, दैट्स राइट मैम, बोलता है कि ये सही बात है मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, दुनिया में कोई चीज़ जो है वो बिल्कुल फ्री नहीं मिलती है। द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैडी इज़ राइट, ये लड़का सही है और इसके फादर सही है। मिलविल सेड ही कैन राइड बैक विद मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। मिलविल शायद पड़ोसी होगा या कोई होगा, वो बोलता है कि वो मेरे साथ जा सकता है, मैं इसकी मदद करूँगा खोजने में। शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, वो बेचारी जो है ऐसे जो है कॉफ़ी के बर्तन को जो है ऐसे करके रख देती है हेल्पलेसली। वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, बोलते हैं वेल अगर तुम अपना दूध दे दो उस हिरण के बच्चे को, क्योंकि और कुछ खिलाने के लिए तुम्हारे पास है नहीं। मिलविल सेड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, मिलविल जो बोलता है चलो बेटा हम लोग को फिर अब घुड़सवारी करनी है।
माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंग्जियसली, मदर जो है बैक्स्टर, आई मीन बैक्स्टर वुड बी देयर लास्ट नेम, जैसे हम लोग के यहाँ होता है ना कि आपको फर्स्ट नेम होता है, ठीक है ना, रमन, राधा वगैरह वगैरह, और बाद में आपका जो है सर नेम होता है, तो वो लास्ट नेम, तो वैसे ही हो गया। तो मान लो कि इसका नाम, पहला नाम कुछ और होगा लेकिन जो लास्ट नेम है वो बैक्स्टर है। तो वो जो है चिंतित होकर कहती है, एंग्जियसली चिंतित, यू विल नॉट बी गोन लॉन्ग, ये क्वेश्चन है। देखो ये नॉर्मल स्टेटमेंट की तरह है ये, लेकिन ये एक्चुअली क्वेश्चन है, इट इज बेस्ड ऑन द टोन। यू विल नॉट बी गोन लॉन्ग, तुम ज़्यादा देर के लिए नहीं जाओगे। जोडी सेड आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, जोडी जो बोलता है कि मैं डिनर से पहले आ जाऊँगा पक्का। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोडी अप बिहाइंड हिम, मिलविल जो है वो घोड़े पर जो है अपने घोड़े पर चढ़ गया, माउंटिंग द हॉर्स मीन्स घोड़े पर चढ़ जाना, एंड पुल्ड जोडी अप बिहाइंड हिम, और जोडी को भी उठा के अपने पीछे जो है बिठा लिया। ही सेड टू मिलविल, जोडी जो है मिलविल को बोलता है, डू यू थिंक द फॉन इज स्टिल देयर, तुमको लगता है कि फॉन जो है, हिरन का बच्चा जो है अभी भी वहीं पर है? Will you help me find him? क्या तुम मेरी मदद करोगे उसको खोजने में? We'll find him if he's alive. बोलता है कि अगर वो जिंदा है तो हम उसको खोज लेंगे। How you know it's a he? तुम कैसे जानते हो कि ये he है? तुमको कैसे पता कि ये male deer है या male fawn है? The spots were all in line. On a doe fawn passes, the spots are every which way. ओके, जोडी जो बोलता है कि एक्चुअली उसके सारे लाइंस जो, आई मीन स्पॉट्स जो होते हैं डियर के ऊपर में, तो वो जो है डो के ऊपर, आई मीन हिरने के ऊपर में, तो वो जो है बोलता है कि जो मेल जो होता है उसके सारे स्पॉट्स जो होंगे वो एक लाइन से होंगे, दूसरी तरफ जो फीमेल होगी, डो फॉन, डो इज लाइक यू नो फीमेल के लिए वर्ड यूज होता है, तो जो फीमेल फॉन होगा उसका जो डॉट होगा वो अलग 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 जगह सब जगह फैला रहता है, एवरी विच वे, मतलब कि अलग अलग जगह पर ऐसे जो है रैंडमली बिखरा रहता है, लेकिन जो मेल होगा उसका जो डॉट होगा सब एक लाइन में होगा। यहाँ से एक बात और साबित होती है, और आगे भी हम देखेंगे कि जोडी जो है अपने फादर की बातों को काफ़ी ध्यान से सुनता है और उसको याद भी रखता है, एंड दे आर ए ग्रेट सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर हिम, और ये जो है उसके लिए नॉलेज का एक काफ़ी बड़ा सोर्स है। जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फॉन, जोडी फिर से जो है फॉन के बारे में जो है सोचने लगता है। दे पास्ट द एबेंडेंट क्लियरिंग, जो एक खाली पड़ा हुआ क्लियरिंग, मतलब जो खाली स्पेस है, ठीक है, उससे होके वो निकलते हैं। एबेंडन मतलब छोड़ा हुआ, जिस पर कहीं जिसका कोई यूज नहीं कर रहा हो। ही सेड कट टू द नॉर्थ मिलविल, वो जो है मिलविल को बोलता है कि नॉर्थ की तरफ यहाँ से मुड़ जाओ। इट वॉज अप हियर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक एंड किल द डो एंड आई सॉ द फॉन, वहीं पर जो है पा को जो है सांप ने काटा था और हिरन को मारा था और मैंने जो है उस फॉन को देखा था। Suddenly, Jody was unwilling to have Millville with him. अचानक से जोडी जो था वो अनविलिंग था, वो उसकी इच्छा नहीं थी कि मिलविल उसके साथ रहे। ओके, इफ द फॉन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, वो एक्चुअली जो है आई मीन जो वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो है उसको इमेजिन कर रहा है कि अगर मान लो कि फॉन मर गया हो या अगर वो नहीं मिल रहा हो, तब उसके चेहरे पर जो निराशा होगी वो नहीं चाहता था कि कोई और उस चीज़ को देख सके। एंड इफ द फॉन वॉज देयर, और अगर फॉन वहाँ पर हो, तो इन दैट केस द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट, इन दैट केस जो मीटिंग होगा वो इतना अद्भुत होगा, राइट, और वो जो है इतना प्राइवेट होगा कि वो उसको भी किसी और के साथ शेयर करना जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। एंड्योर मतलब होता है बर्दाश्त करना। ही सेड इट्स नॉट फार नाउ बट द स्क्रब इज वेरी थिक फॉर ए हॉर्स, जोडी बोलता है कि अब जहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है और जो स्क्रब झाड़ी वगैरह जो है वो काफ़ी घना है घोड़े के लिए, आई कैन मेक इट ऑन फुट, मैं जो है पैदल जा सकता हूँ, ऑन फुट मतलब हो गया पैदल, बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, मिलविल बोलता है कि लेकिन मुझे तुमको छोड़ते हुए डर लग रहा है। सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू, मानो अगर तुम जो है खो गए या फिर तुमको भी सांप ने काट लिया, तो आई विल टेक केयर, बोलता है कि मैं अपना ध्यान रखूंगा। इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फॉन इफ ही हैज वांडर्ड, मुझे लंबा टाइम लग सकता है फॉन को खोजने में अगर वो कहीं और चला गया हो, तो लीव मी ऑफ राइट हियर, अब मुझे यहीं उतार दो। ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ, ठीक है लेकिन अब तुम थोड़ा जो है आराम से ही रहना। यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट, फिर आगे पूछता है कि तुमको यहाँ पर नॉर्थ और ईस्ट पता है ना, क्योंकि डायरेक्शन के लिए इसी का यूज करना है, देयर एंड देयर। जोड़ी जा इशारा करते हुए बोलता है कि हाँ इधर है, राइट, एक तरफ नॉर्थ है एक तरफ जो है ईस्ट है, और फिर आगे बोलता है दैट टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग, वो जो लंबा वाला पाइन जो है ना
वो रास्ते का वो जो है लोकेशन का अंदाजा दे देता है. मेक्स अ बियरिंग मतलब होता है बेसिकली रास्ते का अंदाजा देना, डायरेक्शंस का जो है अंदाजा देना आपको. सो लॉन्ग, सो लॉन्ग मतलब हो गया बाय बाय टाइप का. सो लॉन्ग मेलविल, आई एम ऑब्लाइज्ड, वो भी उसको बाय करता है और बोलता है कि मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आपके प्रति, कि आपने मैं बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे यहाँ तक जो है छोड़ दिया. ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड देन कट टू द राइट. उसने जो है घोड़े के खुर के आवाज़ को जो है फेड होने दिया, मतलब कि मिलविल को वहाँ से जाने दिया और उसके बाद वो दाहिने की तरफ मुड़ गया. मतलब बेसिकली वहाँ पर क्लियरिंग के पास से ही उसे जाना था, उसने जानबूझ के जो है मिलविल को लेफ्ट की तरफ मुड़वा दिया ताकि उसको जो है एग्जैक्ट लोकेशन का पता ना चले. और फिर जैसे ही वो चला गया मिलविल, वो फिर जो है दाहिने की तरफ पलट गया वहाँ से. द स्क्रब वॉज स्टिल, झाड़ी जो था बिल्कुल शांत. Only his own crackling of twigs sounded across the silence. सिर्फ उसके चलने पर नीचे twigs जो झाड़ी सूखी हुई झाड़ियों झाड़ी वगैरह थे वो जो टूट रहे थे, बस उन्हीं के उसी के crackling sound जो थी वही उसको जो है खामोशी में सुनाई दे रहे थे. He wondered for an instant if he had mistaken his direction. इतनी शांति है कि वो एक समय के लिए वो मन में सोचता है कहीं उसने जो है रास्ता तो नहीं भूल लिया है, कहीं उसने जो है गलत रास्ता तो नहीं चुन लिया है. Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. तभी एक buzzard जो है वो उसके सामने जो है अपीयर होता है और अपने पंखों को हिलाता है. Buzzard जो है वो बेसिकली वल्चर टाइप का ही एक जो है कह सकते हो कि क्रिएचर होता है, बर्ड होता है, ठीक है ना, और वो भी जो है डेड एनिमल्स के फ्लैश को ही खाता है. ओके, एस्केवेंजर होता है वो. He came into the clearing under the oaks. फिर वो जो है उस साफ वाले जगह पर जहाँ पर झाड़ी वाड़ी नहीं है वहाँ पर आता है, ओक ट्री के ओक्स पेड़ के नीचे में. बजर्ड सैट इन ए सर्कल अराउंड द कार्कस ऑफ द डो. बजर्ड्स जो है वो एक सर्कल बना के जो है उस हिरन के लाश के जो है चारों तरफ से बैठे हुए हैं. दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्रॉनी नेक्स एंड हिस्ट एट हिम. जैसे ही जो है जॉडी वहाँ पर पहुँचता है तो ये जो बर्ड्स बजर्ड्स जो है वो अपना अपना गर्दन उसकी तरफ घुमाते हैं और हिसिंग साउंड निकालते हैं, राइट, गुस्साने वाला टाइप का, कभी कहाँ डिस्टर्ब करने के लिए आ गया हमारी पार्टी के बीच में. They he threw his bow at them. उसके हाथ में जो है एक डाली वाली टाइप की है, बो मतलब डाली होती है पेड़ की, तो उसके हाथ में जो है एक टहनी वाली टाइप की है वो जो है उठा के उसकी तरफ उनकी तरफ फेंक देता है. एंड दे फ्लू इन टू एन एडजेसेंट ट्री. एडजेसेंट मतलब होता है बिल्कुल पास में, वो जो है वहाँ से उड़ के जो है एक बगल वाले पेड़ पर जो है चढ़ जाते हैं. द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश एंड दे हैड लेफ्ट द डो टू द क्लैरियन बर्ड्स. सैंड पर जो है बड़े बड़े कैट के, मतलब कि टाइगर या इस तरह के, सॉरी लेपर्ड या इस तरह के जो है एनिमल्स के लार्ज कैट्स जो हैं उनके फुटप्रिंट है, लेकिन जो बिग कैट्स हैं लाइक यू नो हंटर्स वो जो है फ्रेश किल खाते हैं, मतलब वो अपना शिकार खुद से करके खाते हैं, इसलिए उन्होंने जो है डेड जो था डो उसको जो है उन्होंने इन कैरियन बर्ड्स के लिए छोड़ दिया था. कैरियन मतलब फिर से हो गया वही जो कि लाश खाते हैं, एस्केवेंजर्स. ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन. वो जो है घास को हटा के उस जगह पर देखता है जहाँ पर कि उसने जो है उस हिरन के बच्चे को देखा था. इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली येस्टरडे. उसको ये संभव नहीं लगा कि बस ये कल की बात है. द फॉन वॉज नॉट देयर, हिरन का बच्चा जो है वहाँ पर नहीं था. ही सर्कल्ड द क्लियरिंग, वो जो है उस पूरे आसपास के एरिया का जो है चक्कर लगाता है, वो जो खाली जगह है उसका पूरा जो है चक्कर लगाता है उस मैदान का. देयर वॉज नो साउंड नो साइन, वहाँ पर न तो कोई आवाज़ थी ना ही कोई जो है चिन्ह था. द बजर्ड्स क्लैक्ड देयर विंग्स इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस. बजर्ड्स जो हैं वो अपने पंख को जो है थोड़ा थोड़ा जो है बार बार फड़फड़ाते हैं, पूरा नहीं फैलाते, थोड़ा थोड़ा जो है फड़फड़ाते हैं. बेचारे जो है अंधेरी हो रहे हैं. इम्पेशेंट मतलब होता है अंधेरी हो जाना, ठीक है ना, अपने काम पर वापस जाने के लिए अंधेरी हो रहे हैं. और काम क्या है उनका, उस डो के बचे हुए बॉडी को जो है ख़त्म करना खा के. He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours. वो जो है अब उस जगह पर फिर से लौट के आया जहाँ पर कि फॉन जो है वो झाड़ियों से निकला था और फिर जो है वो अपने चारों आई मीन दोनों घुटने और हाथ पर जो है वो झुक गया. Studying the sand for the small hoof prints. बालू में जो है रेत में जो है वो छोटे छोटे जो है खुर के निशान को चेक कर रहा है. द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ द कैट्स एंड बजर्ड्स. रात की बारिश जो थी उसने जो है सारे निशान को जो है मिटा दिया था, वॉश अवे कर दिया था, एक्सेप्ट जो बड़ी बिल्लियां जो तेंदुआ वगैरह होगा उन सब का और उसके अलावा जो है बजर्ड्स का, मतलब कि ये जो बर्ड्स हैं. मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड्स. तभी उसके आगे में जो है हलचल होती है और वो चौंक जाता है. स्टार्टल्ड मतलब होता है चौंकना, स्टार्टल्ड मतलब हो गया यहाँ पर चौंका देना,
तो जो उसके सामने जो मूवमेंट बिल्कुल ठीक उसके सामने में जो मूवमेंट होता है वो उसको ऐसे चौंकाता है कि वो बिल्कुल पीछे की तरफ जो है लुढ़कने लगता है, गिर जाता है। द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिम, हिरन का बच्चा जो है अपना फेस उठाकर उसकी तरफ देखता है। इट टर्न्ड इट्स हेड विद अ वाइड वंडरिंग मोशन एंड शुक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइज। फॉन जो है वो जो है अपनी अपनी गर्दन को जो है एक बिल्कुल मतलब ऐसे करके जो है पूरा घुमा के देखता है कि भाई साहब क्या हो रहा है, कौन हो आप, फिर से क्या करने आ गए हो, ठीक है। और उसकी जो आंखें हैं बिल्कुल जो उसकी क्रिस्टल क्लियर जो एकदम साफ साफ आंखें हैं एकदम से उसकी जिसमें आंसू भरे हुए हैं लिक्विड आइज, ठीक है ना, वो जो है जॉडी की आत्मा को जो है अंदर से एकदम से हिला देते हैं। इट वॉज क्विवरिंग, क्विवरिंग मतलब होता है कांपना, बेसिकली जो हिरन का बच्चा वो कांप रहा है एकदम से, शायद अभी भी बहुत डरा हुआ हो। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, हिरन का बच्चा जो है वो ना तो उठने की कोशिश करता है ना भागने की कोशिश करता है। जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, जॉडी जो है उसको भी उसको जो है खुद पे भरोसा आई मीन इतना भरोसा नहीं है कि वो उठ के वहाँ तक जाए, मतलब उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है, उसकी आत्मा शायद अंदर से अलाउ नहीं कर रही है कैसे जाके इस हिरन के बच्चे को जो मैं और डरा दूँ। ही विस्पर्ड इट्स मी, वो फुसफुसाते हुए कहता है मैं हूँ। द फॉन लिफ्टेड इट्स नोज सेंटिंग हिम, हिरन का बच्चा जो है वो अपने नाक उठाता है सूंघता है उसको। यहाँ पर सेंटिंग हिम का मतलब सेंट मतलब तो वैसे होता है जो किसी का सेंट होता है अच्छा बुरा जो भी स्मेल हो, लेकिन यहाँ पर सेंटिंग हिम का मतलब हो गया उसको सूंघता है, वर्ब की तरह इसको यूज किया गया है। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक, वो जो है जोड़ी अपना हाथ जो है उठाता है और इसके मुलायम जो है गर्दन पर जो है उसको रखता है। द टच मेड हिम डिलीरियस, हिरन को छूने पर जो है बिल्कुल से एकदम से वो भाव विभोर हो उठता है एकदम से, ठीक है ना, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं उसके अंदर में। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट, वो ऐसे ही जो है अपने घुटने और हाथ के बल पर चलते हुए बिल्कुल जो है बिल्कुल उसके आगे तक जाता है जबकि जब तक वो उसके बिल्कुल बगल में ना पहुँच जाए। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी, वो जो है अपना हाथ जो है वो उस हिरन के बच्चे के जो है बगल में रखता है उसको अपने बाहों में लेता है। अ लाइट कन्वल्सन पास्ड ओवर इट बट इट डिड नॉट स्टर, ऐसे लगता है कि जैसे एक बार जो है पूरा का पूरा हिरन का बच्चा जो एक बार जैसे कांप उठता है एकदम से, लेकिन फिर भी वो जो है उछल कूद करने की कोशिश जो है नहीं करता है, स्टर मतलब हो जाता है उछल कूद करके भागना वगैरह। ही स्ट्रोक्ड इट्स साइड्स एज जेंटली एज दो द फॉन वर अ चाइना डियर एंड ही माइट ब्रेक इट, वो जो है इसके साइड्स को इसके बाजू पेट के एरिया को जो है इतनी मुलायमता के साथ जो है इतना डेलिकेटली जो है सहलाता है जैसे कि वो फॉन जो है वो चीनी मिट्टी का बना हुआ जो है डियर हो हिरन हो और वो गलती से उसको तोड़ ना दे। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, इसका स्किन जो है काफ़ी सॉफ्ट था। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, ये जो है बिल्कुल एकदम से जो है छिछलेदार था साफ था और इसमें जो है घास की एकदम से जो है मीठी मीठी खुशबू आ रही थी। ही रोज स्लोली, जॉडी जो है वो धीरे धीरे जो है खड़ा होता है एंड लिफ्टेड द फॉन फ्रॉम द ग्राउंड, और फॉन को भी जो है अपने बाहों में ही जो है उठाता है एकदम से। इट्स लेग्स हंग लिम्पली, फॉन का पैर जो है वो बिल्कुल ऐसे ही जो है झूल रहा होता है, लिम्पली मतलब एकदम टाइट नहीं है स्ट्रांग नहीं है बिल्कुल जो है एकदम से ढीला ढाला है एकदम से लटका रहता है। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग, फॉन के जो पैर हैं वो सरप्राइजिंगली काफ़ी लंबे लंबे हैं एंड ही हैड टू वॉश द फॉन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म, मतलब उसको जो है बाह में लेके जो है फॉन को काफ़ी उठा के रखना पड़ता है ताकि उसका पैर जो है वो जमीन में ना सट जाए, ठीक है ना, काफ़ी क्योंकि जॉडी खुद छोटा बच्चा है, ठीक है ना, और इस वजह से जो है उसकी हाइट भी छोटी है और फॉन के पैर जो है वो रिलेटिवली कंपेरेटिवली बड़े हैं। ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइट किक एंड ब्लीड एट द साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर, अब जॉडी को ये डर था कि वो जो है शायद पैर वैर चलाना शुरू कर दे या फिर जो है ब्लीट साउंड ब्लीटिंग मतलब जैसे बकरी नहीं मेमी आती है वैसे मेमियाना शुरू कर दे अपनी मदर के स्मेल से या उसको देख के। ही स्कर्टेड द क्लियरिंग, इसलिए वो क्या करता है वो जो क्लियरिंग है उसके बगल से निकलता है एंड पुश्ड हिज वे इन टू द थिकेट, और जो है थिकेट मतलब जो गहरी झाड़ियाँ हैं उनसे होते हुए निकलने की कोशिश करता है। इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइट थ्रू विद हिज बर्डन, और जो उसने ये बोझ उठा रखा है उसके साथ इस थिकेट में से होकर निकलना जो था ये भी एक मुश्किल टास्क था। द फॉन्स लेग्स कॉट इन द बुशेज, फॉन का पैर जो है वो बार बार झाड़ियों में फंस जाता था एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विद फ्रीडम, और वो अपना पैर भी जो है वो आराम से आसानी से जो है नहीं निकाल सकता था। ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स,
जो कांटेदार झाड़ियाँ जो है वहाँ पर, जो लताएँ वगैरह हैं, वाइन्स मतलब होता है लताएँ, लत्ती जिसको कहते हो, ठीक है ना, जो कांटेदार जो लताएँ हैं वहाँ पर, उससे जो है वो उस हिरण के फेस को जो है शील्ड करने की कोशिश करता है, बचाने की कोशिश करता है। मतलब वो अपने बॉडी पर जो है वो हर्ट झेलने के लिए तैयार है, लेकिन वो जो है इस हिरण के बच्चे को कोई चोट नहीं आने देना चाहता है। इट्स हेड बॉब्ड विद हिज स्ट्राइड, वो जैसे जैसे आगे पैर बढ़ाता है तो हिरण के बच्चे का गर्दन जो है वैसे आगे पीछे होता रहता है एकदम से मूवमेंट के साथ। हिज हार्ट थम्प्ड विद द मार्वेल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, उसका कलेजा जो है वो बिल्कुल जो है आश्चर्य में जो है एकदम से धड़क रहा है जोर जोर से कि किस तरीके से जो है इस हिरण के बच्चे ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। ही रीच द ट्रेल, वो जो है फिर उस ट्रेल मतलब जंगल्स वगैरह में जो है वो रास्ता टाइप का जो बना होता है वहाँ तक वो पहुँचता है। एंड वॉक्ड एज फास्ट एज ही कुड अंटिल ही केम टू द इंटरसेक्शन विद द रोड होम, और जो है वो जितना तेज चल सकता है उतनी तेजी में जो है वो बढ़ता है जब तक कि वो उस इंटरसेक्शन पर नहीं आता। इंटरसेक्शन मतलब चौराहा टाइप का जहाँ से कि उसके घर का रास्ता जाता है। He stopped to rest and set the fawn down on its dangling legs. वो जो है फिर थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए रुक जाता है और फॉन जो है बच्चा जो है हिरण का उसको जो है अपने लटकते हुए पैरों पर उसको जो है खड़ा कर देता है, ठीक है। इट वेवर्ड ऑन देम, हिरण का बच्चा इतना छोटा है कि वो उस पैर पर जो है वो ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा है, वो जो है उसके ऊपर कांपता रहता है। इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड, वो जो है हिरण का बच्चा जो है वो फिर जोड़ी की तरफ देखता है और मेमियाता है बेसिकली। He said, enchanted. वो जो है बिल्कुल एकदम मुग्ध होकर जो है जोड़ी बोलता है, I will carry you after I get my breath. बोलता है बस टेंशन मत लो, मैं तुमको उठा के ले जाऊँगा, बस थोड़ा मैं आराम कर लूँ थोड़ा सा। He remembered his father saying that a fawn would follow if it had been, if it had first been carried. उसको फिर अपने पापा की कही हुई बात याद थी कि फॉन जो है हिरण का बच्चा जो है वो आपको फॉलो करेगा अगर आपने उसको पहले जो है अपने गोद में जो है कैरी कर लिया हो। द फॉन स्टेयर्ड अप, ही स्टार्टेड अवे स्लोली, इसलिए जोड़ी जो है धीरे धीरे जो है आगे बढ़ना शुरू करता है। द फॉन स्टेयर्ड आफ्टर हिम, फॉन जो है बस उसकी तरफ जो है घूर के देखता रहता है। ही केम बैक टू इट एंड स्ट्रोक्ड इट एंड वॉक्ड अवे अगेन, जोड़ी फिर आता है उसके पास, उसको थोड़ा सा जो है सहलाता वगैरह है और फिर से जो है वो धीरे धीरे जो है जाने लगता है। इट टुक अ फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स टुवर्ड हिम एंड क्राइड पाइटियसली, वे जो है वैसे लड़खड़ाते हुए एक आध कदम लेता है और फिर जो है ऐसे ही जोर से जो है मेमियाता है, रो चिल्लाता है। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, हिरण का बच्चा जो है वो उसको फॉलो करने की इच्छा है उसके अंदर, बेचारा कमजोर है। इट बिलोंग टू हिम, यह उसका हो चुका था। इट वॉज हिज ओन, ये जो है उसका अपना ही था। ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय, मतलब कि जोड़ी इतना खुश हो गया कि मतलब उसका जो है दिमाग जो है वो एकदम से जो है एकदम से क्या कर रहे हो घूम रहा है। ही इज सो हैप्पी, ही वॉन्टेड टू फोंडल इट, टू रन एंड रॉम्प विद इट, वो जो है इसको जो है बिल्कुल जो है ऐसे करके जो है सहलाना चाहता है, इसके साथ जो है दौड़ना चाहता है, कूदना चाहता है, इसको जो है अपने साथ आने के लिए बोलना चाहता है। ही डेयर नॉट अलार्म इट, लेकिन वो जो है फिर लेकिन उसकी ये हिम्मत नहीं है, उसको इतनी हिम्मत नहीं है कहीं इसको डरा ना दें हम, ठीक है ना, लेकिन उसको जो है अब इसको डराने की, इसको जो है चौंकाने की हिम्मत नहीं है। ही पिक्ड इट अप एंड कैरीड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स, इसलिए वो फिर से उसको जो है पकड़ के उठाता है, ठीक है ना, अपने सामने में ऐसे जो है बाहों में ऐसे करके लेके जो है उसको उठाता है और लेके फिर से चल देता है उसको। इट सीम्ड टू हिम दैट ही वॉक्ड विदाउट एफर्ट, मतलब इतना खुश है जोड़ी अंदर से, वो इतना सेटिस्फाइड है कि उसको लगता ही नहीं, उसको लगता है कि वो ऐसे ही चला जा रहा है, लगता ही नहीं है उसको कि मेहनत पड़ रही है। हिज आर्म्स बिगेन टू एक एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन, अब उसका बाँह जो है वो दुखने लगता है, एक मतलब होता है दुखने लगना, दर्द होना, और वो जो है मजबूर हो जाता है रुकने के लिए फिर से। व्हेन ही वॉक्ड ऑन द फॉन फॉलोड हिम एट वंस, फिर जब वो दोबारा चलता है तो फॉन जो है तुरंत उसके पीछे पीछे चल देता है। ही अलाउड इट टू वॉक अ लिटिल डिस्टेंस देन पिक्ड इट अप अगेन, वो जो है फिर फॉन को थोड़ी देर चलने देता है फिर उसको जो है गोद में उठा लेता है। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग, घर तक पहुंचने की दूरी कुछ थी ही नहीं एकदम से। ही कुड हैव वॉक्ड ऑल डे एंड इन टू द नाइट कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो, वो जो है पूरा दिन चल सकता था, रात में चल सकता था इसको अपने साथ अपने गोद में लेके या इसको जो है अपना अपने पीछे फॉलो करवाते हुए देखते हुए। ही वॉज वेट विद स्वेट, वो जो है पसीने में बिल्कुल तरबतर हो चुका है, भींग चुका है, बट अ लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग कूलिंग हिम, लेकिन जो जून की सुबह की जो हल्की हल्की जो है हवा जो है वो जो है उसको ठंड कर रही थी, ठंडा ठंडक प्रदान कर रही थी। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन ए ब्लू चाइना कप, राइटर जो है यहाँ पर काफ़ी आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन देता है, विजुअल इमेजरी है यहाँ पर, ठीक है ना, कि आसमान जो है बिल्कुल साफ था जैसे कि स्प्रिंग का पानी जो है झरने का
ताज़ा ताज़ा जो है किसी तालाब का पानी जो है वो आप ब्लू चाइना के कप में रख दें तो वो जैसे साफ चमकता रहता है वैसा ही साफ आसमान था एकदम से. ही केम टू द क्लियरिंग, वो वापस जो है उस क्लियरिंग के पास आता है. इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट रेन, रात की बारिश के बाद जो है बिल्कुल ये फ्रेश है, साफ है. ही फंबल्ड विद द लैच एंड वॉज फाइनली ऑब्लाइज्ड टू सेट डाउन द फॉन टू मैनेज इट. वो जो है थोड़ी देर जो है लैच, लैच मतलब होता है किसी दरवाजे को खोलने के लिए नहीं, कुंडी टाइप का जो होता है, तो थोड़ी देर बेचारा उसके साथ जो है फंबल करता है, मतलब कि थोड़ी देर उसके साथ जो है संघर्ष करता है बेचारा, ठीक है ना. फाइनली जो है उसको जो है फोन को नीचे रखना पड़ता है ताकि वो कुंडी को खोल सके. देन ही हैड एन आइडिया, तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है. ही वुड वॉक इन टू द हाउस इन टू पेनीज बेडरूम विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम. वो जो है घर जाएगा, ठीक है ना, सीधा पेनी के बेडरूम में जाएगा, अपने फादर के बेडरूम में जाएगा और फोन जो है वो उसके साथ जो है चलता हुआ जाएगा. बट एट द स्टेप्स द फोन barked and refused to climb up. लेकिन जो है सीढ़ियों के पास आके फोन जो है जो अभी तक उसके पीछे चुपचाप आ रहा है वो जो है रुक जाता है एकदम से, ना नाकर नुकुर करने लगता है एकदम से उसको उसके ऊपर, ठीक है ना, और जो है सीढ़ी चढ़ने से वो मना कर देता है. ही पिक्ड इट अप एंड वेंट टू हिज फादर. वो जो है फिर फोन को उठाता है, अपने फादर के पास जाता है. पेनी ले विथ क्लोज आइज, पेनी जो है बिल्कुल आँख बंद करके लेटा हुआ है. जोडी कॉल्ड, जोडी जो है बोलता है पा लुक, जोडी बोलता है पापा देखिए. पेनी टर्न्ड हिज हेड, पेनी जो है अपनी गर्दन घुमा के देखता है. जोडी स्टूड बिसाइड हिम, जोडी उसके बगल में खड़ा है. द फोन क्लस्ट हार्ड अगेंस्ट हिम, फोन जो है बिल्कुल उसके गोद में जो है एकदम से पकड़े हुए है फोन को जोर से वो. इट सीम टू पेनी दैट द बॉयज आइज वर एज ब्राइट एज द फोन. पेनी को ऐसा लगता है कि बच्चे की मतलब जोडी की आंखें जो हैं वो ऐसे ही चमक रही, जैसे कि उस फोन की आंखें चमक रही हैं, दोनों इक्वली एक्साइटेड हैं. ही सेड आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, पेनी बोलता है कि भाई मुझे खुशी है कि तुमने खोज लिया उसको. जोडी देन वेंट टू द किचन, जोडी फिर जो है किचन में जाता है. द फोन वबल्ड आफ्टर हिम, जो फोन जो है उसके पीछे जो है ढुलमुल ढुलमुल करते हुए जो है जाता है. अ पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ, सुबह वाले दूध का जो बर्तन है वो किचन में जो है अलमीरा में रखा हुआ है, सेफ मुला अलमीरा मतलब कोई भी एक कंटेनर हो गया. द क्रीम हैड रिजन ऑन इट, इसके ऊपर जो है क्रीम जैसे हम लोग छाली वाली नहीं जम जाता है उस टाइप का जो है जम गया था. ही स्किम्ड द क्रीम इन टू ए जग, वो जो है वो निकाल के जो है क्रीम एक जग में डाल देता है. ही पॉर्ड मिल्क इन टू ए स्मॉल गॉर्ड, गॉर्ड मतलब एक गोल मटोल जो बाटी टाइप का होता है ना उसमें जो है वो दूध जो है उसको ढार के देता है. ही से इट बटेड इट, ही हेल्ड इट आउट टू द फोन, ये जो है इसको फोन को देता है पीने के लिए. इट बटेड इट सडनली, सडनली फोन जो है उसमें ठोकर मार देता है. ही सेव्ड इट प्रीकैरियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, वो जो है बस किसी तरह जैसे तैसे करके जो है इसको फ्लोर पर गिरने से उस दूध को बचाता है. प्रीकैरियसली मतलब होता है कंप्लीट कंट्रोल में नहीं होना, या कह सकते हो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं होना, तो मतलब जैसे तैसे करके जो है उसको वो जमीन पर फ्लोर पर गिरने से दूध को बचाता है. इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गॉड, मतलब उस फोन को समझ में ही नहीं आता है कि ये कटोरे में है क्या भाई, क्या दे रहा है मुझे ये. ही डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क एंड थर्स्ट देम इनटू द फोन्स सॉफ्ट वेट माउथ, वो जो है अपनी उंगलियां जो है वो दूध में डुबाता है और उसको जबरदस्ती जो है फोन के मुंह में जो है डाल देता है. इट सक्ड ग्रीडीली, हिरण का बच्चा जो है बिल्कुल लालच लालच के साथ जो है उसको चूसता है उसके हाथों को. व्हेन ही विड्रू देम इट ब्लीटेड फ्रेंटिकली एंड बटेड हिम, जब उसने उंगली निकाल ली बाहर तो फिर जो है ये एकदम जोर जोर से जो है मेमियाने लगा एकदम से और उसको जो है ठोकर मारने लगा कि और दो और दो. ही डिप्ड हिज फिंगर्स अगेन, वो फिर से अपनी उंगली डुबाता है. एंड एज द फोन सक्ड ही लोअर्ड देम स्लोली इन टू द मिल्क, और जब फोन उसके उंगलियों को चूस रहा था तो वो धीरे धीरे अपनी उंगली को जो है मिल्क में डुबा रहा था. द फोन ब्लू एंड सक्ड एंड स्नोर्टेड, फोन उसके बाद जो है पहले तो करके फूकता है, उसके बाद जो है फिर पीता है और फिर जो है नाक से जोर से सांस नहीं छोड़ते हैं लोग, ठीक है ना, वो सांस छोड़ते हैं. इट स्टाम्प्ड इट्स स्मॉल हुप्स इम्पेशेंटली, वो जो है अपने खुर को जो है एकदम अंधेरी होकर जो है एकदम से पटक रहा होता है इस बीच में. एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क द फोन वॉज कंटेंट, मतलब जब तक उसकी उंगली दूध में डूबी हुई थी फोन जो था वो सही था, वो पी रहा था. इट क्लोज इट्स आईज ड्रीमीली, इसलिए जो है बिल्कुल एकदम से जैसे नींद में हो सपना देख रहा हो वैसे इसने अपनी आंखें बंद कर ली. इट वॉज एक्सटेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड, मतलब कि उसके उसके जी को जो है उसकी जवान को जो है अपनी उंगली के अपने हाथ के अगेंस्ट फील करना जो था वो एक एक्सटेटिक फीलिंग था जोडी के लिए. मतलब कि जोडी जो है बिल्कुल कह सकते हो कि मतलब जैसे लगता नहीं बिल्कुल जो है मंत्रमुग्ध हो जाता है एकदम से दूसरी दुनिया में ही चला जाता है, उस टाइप की फीलिंग उसको हो रही थी. इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ, इसकी छोटी पूंछ जो है वो ऐसे जो है आगे पीछे हिल रही है बिल्कुल. इमेजिन बकरी का बच्चा जैसे कर रहता है वैसे कर रहा है. द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश्ड इन अ स्वर्ल ऑफ फोम एंड गर्गलिंग, जो थोड़ा बहुत जो दूध बचा हुआ है वो भी जो है झाग और
गर्गलिंग साउंड के साथ जो है ख़त्म हो जाता है, क्योंकि फॉन जो है उसको पी लेता है. दैट्स द एंड ऑफ दिस स्टोरी. नाउ जहाँ तक मान लीजिए कि इस स्टोरी में जो रीडिंग का आपका मेन पर्पस होगा वो होगा कि इसमें जो है आपको स्टोरी को दो लेवल पर पढ़ना है. पहली बात, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ है वो आपको जानना है. तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या हो गया इसमें कि डो को जो है मारा जाता है, और ये जो है नेसेसिटी की वजह से किया हुआ जो है दिया हुआ डेथ है, क्योंकि उसके लीवर और उसके किडनी से जो भी होता है, उसके पार्ट हार्ट और उसके लीवर से जो है इसके फादर का जो है ट्रीटमेंट होना था. लेकिन साथ ही साथ हमारा क्या है कि ह्यूमैनिटी जो है, मान लो कि आवर इंस्टिंक्ट फॉर सर्वाइवल, हमारे सर्वाइवल की ज़रूरत जो है वो हमें जो है बहुत तरह के क्रुएल्टीज करने के लिए मजबूर करती हैं. लेकिन जहाँ पर कि मान लो क्रुएल्टी ऑप्शनल है, वहाँ पर जो है हमको काइंडनेस दिखाने का मौका मिलता है. और यही जो है हमारी ह्यूमैनिटी का एक टेस्ट है कि आउट ऑफ नेसेसिटी अगर आपने कोई काम किया, ठीक है, वहाँ पर मॉरल जजमेंट आपके अगेंस्ट नहीं होगा. लेकिन अगर आपके कैपेसिटी में है दैट यू कैन हेल्प समवन और समथिंग और सम एनिमल और सम ह्यूमन, ऐसे केस में अगर आप हेल्प नहीं करते हैं, दैट इज़ यू नो लाइक दैट इज़ लाइक क्रूअल्टी, दैट इज़ बींग कैलस. ये जो है आपको जो है कतो क्रूर बना देता है अंदर से फिर. और इसलिए जो है इफ़ यू कैन हेल्प समबडी, अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं, यू शुड ऑलवेज डू इट. ओके, और इस तरह से मान लो कि दुनिया में जो है, मान लो कि काइंडनेस जो है वो ग्रेटेस्ट ह्यूमन एक्शन है, ये जो है ग्रेटेस्ट ह्यूमन इमोशन है. और इससे जो संतुष्टि मिलती है, इस संतुष्टि को जो है कभी भी आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, इस संतुष्टि का आपको जो है मोल नहीं लगा सकते हैं. एंड दैट इज वाई वी शुड ऑलवेज एंगेज इन सच एक्ट्स ऑफ यू नो लाइक काइंडनेस. नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू लुक एट यू नो लाइक द राइटिंग एक्टिविटीज एंड ग्रामर यू नो लाइक एडेड विद दिस चैप्टर. इन द मीन टाइम यू कैन जस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस. Thanks.